हाय फ्रेंड्स, तो आज हम जो है तार सप्ताह कवियों को देख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि कैसे याद करना है। तो तार सप्ताह की जो शुरुआत हुई थी 1943 ईस्वी में हुआ था। तार सप्ताह को तार सप्ताह ही कहते हैं, ये नहीं कि प्रथम सप्ताह, ये पहला सप्ताह नहीं रहेगा, इसको तार सप्ताह ही कहते हैं। जबकि दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह इसको तो कहेंगे, लेकिन प्रथम सप्ताह हम नहीं कहेंगे, उसको तार सप्ताह ही बोलते हैं। तो इसमें कवियों को कैसे याद करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से देखिए। तो ये जो सन याद करना है 1943, 1951, 1959 और 1979। तो ये कैसे याद करना है, तो 43 में अगर 8 जोड़ोगे तो 51 आ जाएगा, 51 में 8 जोड़ोगे तो 59 आ जाएगा, 59 में 20 जोड़ोगे तो 79 हो जाएगा। तो पहले जो है 8-8 जोड़ना है, लास्ट में 20 जोड़ देना है, ये ट्रिक हो गया। अब आगे देखते हैं, गजानन भारत नेमचंद कहते राम विलास, प्रभाकर गिरजा और अज्ञा करते प्रभु के आस। गजानन भारत नेमचंद कहते राम विलास, प्रभाकर गिरजा और अज्ञा करते प्रभु का आस। तार सप्तक दूसरे में शकुंतला भवानी हर शमशेर देते हैं उपदेश, रघुवीर धर्म के वीर हैं कहते कवि नरेश। दूसरा सप्तक, फिर इसमें दूसरे सप्तक में शकुंतला माथुर हैं, ये जो है कवित्री हैं। पूछा जाता है कि कौन कवित्री है, कौन कवि हैं, तार सप्तक में कोई भी कवित्री नहीं है, दूसरे सप्तक में शकुंतला माथुर हैं। तीसरा सप्तक, कुंवर कीर्त केदार विजय के सीने में आग, सर्वेश्वर और मदन नहीं जाते कभी प्रयाग। तीसरा सप्तक, तीसरा सप्तक में जो कवित्री है वो कीर्त हैं, कीर्त चौधरी इनका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या पूरा नाम है, कीर्त चौधरी। चौथा सप्तक 1979 में, तो अवधराज स्वदेश गए, नंद सुमन राजेंद्र की जय बोलो श्री राम की। तो अवधराज स्वदेश गए, नंद सुमन राजेंद्र की जय बोलो श्री राम की। तो ऐसे बहुत ही 2 मिनट में तार सप्तक कवियों को याद कर लिए हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।